कुंतस तू कौन है? इदी हूँ रेंगी बेवा। रेंग केड़ो? रेंग दुबे यालो, रे थारो पतियो जड़ो मर गयो थो। एला तेरा भी के निजाम है, बुदन विला दिमाग के जो हो जावे। पुत्री मिना माफ करिए, मेरी यादाश्त हुन मुझ चंगी नहीं रही, इस गलू पूछ लियो। रेंग ना कौन भूल सके, मेरो पाई जावे टूर गयो इस वो पूत, हैदराबाद गयो थो पढ़ने वास्ते। चंगो गेजरो थो, सारा टब्बर वो सब तू होशियार जाकर थो, बहुत प्यार करने वालो गेजरो थो। अल्लाह इनकी मगफरत करे, प्यार करने वाले थे बहुत। तू कैसी है बटकी, आला भी शहर में रह? जी इदी बच्चों का स्कूल वास्ते ओए ठीक है, वो भी करूं होगी सिलाई को कम कर छोड़ू। अल्लाह तेरी तकलीफ आसान करे, इत किस तरह आन वो? अब्दुल भाई को इसा का पैसा लेन आई हूँ, पहला हर महीना रहीम अकाउंट बीच कल छोड़े थो, लेकिन हूँ वो आप ही आऊँ। चंगो चंगो, कितना देती ना? इदी मिन्ना हिस्सा को तय नहीं पतो, लेकिन अदा ने सही हिसाब किताब की जो है वो। क्यों नहीं पतो, पतो होने चाहिए। यह चंगी गल है कि तिना अब्दुल ऊपर भरोसो है, वरना अपना हिस्सा का बारा में पतो जरूर होना चाहिए। हाँ शाकर, अब्दुल कीता है? इति माफ करूं, वो बच्चों खुल गयो थो, उसने बदने लगा, मगर तुम बाहर किस तरह आई? हैं, बाहर किस तरह आई? निकीलो जागी ते सामने मेरी मंजी पर बच्चों खलो थो, इसने क्यों दाजी अपनों पैरों ऊपर टूर के बाहर आ जा आ गई। हैं दाजी? पर आठ या बटकी इतनी देर हो गई बैठी थी। अब्दुल कीता है? वो उन्हें पतो लाऊं। रहीम, हाँ किसकी मफरत करे, एवं तो तेरा घर आला ना या गलती ना दस छोड़नी चाहिए थी, पर इसका जान तू बाद या जिम्मेदारी तेरी बना है। दाजी हूँ तेरी जिम्मेदारी। पुत्री तिना तेरा हिस्सा का बारा में सारी मालूमात होनी चाहिए, किन्नी जमीन है, किन्ना डंगर है, यो सारो कोई पतो होना चाहिए। औरत भी एवं भी नहीं पूरी होने देता, मर टूर जाए तो अधी भी नहीं छोड़ता। अस्सलामुअलैकुम दाजी, थारी सेहत कैसी है आज? रहीम की बेवा ना हिसाब दे। ना इना ने मंगे हो तो ना मैं दितो। इसा सारो खातो दस। जी दी। शाकर, जल्दी तो मेरा टेबल ऊपर रजिस्टर ले आ। जी। जी दी, इस रजिस्टर में थारो सारो हिसाब है, थारा किना डंगर है, किन्नी जमीन है, सारो कुछ लिखियो है। इदी मारी जमीन में पूरा साल गन्नों क्यों तो बाकी कुछ मौसमी फल हुए, जिमी अला इदी इन्हों का एक भैन तो त्रै पइया का ना है, इदी जत्तो दादी अनीजा इन्हों की भैन, जावेद दाजा थारा सोरा तो उन्हों का भ्रा दाजा अकबर तो दाजा मोहसन, कुल मिला गई इन्हों का 15 बच्चा है, जिन्हों में फसल तो डंगर बिचों कमाई भी रकम तकसीम हो। जावेद दाजा का 4 बच्चा है, जिन्हों में एक पाई तो 2 भैन जिंदा है। जावेद चाचा का 2 पूत हैं, एक रहीम चाचा तो दूजा इकबाल चाचा, और 2 धी हैं, एक सना पुपी तो दूजी फातिमा पुपी। जावेद दाजा का हिस्सा विचू 2/3 हिस्सो 2 पैना ना जाए तो बाकी 2 पइया ना। उन मरहूम रहीम चाचा को हिस्सो थारो है, जिसमें फसल तो डंगर विचू कमाई भी रकम तकरीबन 2-2.5 लाख महीना का हिसाब नाल बना है। ते उन तिना पता चलियो कि तेरे हिस्सो कितना है, जच्चा ही ले लिए। नहीं अदी, इसकी कोई लोड नहीं। अला हाँ अला लोड नहीं, वह जद कदे भी लोड पैगी ते हिम्मत करके मंगिए, जो तेरो हक है। सारो शुक्रियो। अब्दुल, तू हूँ ते इस बटकी को हिस्सो इसका अकाउंट में बात हो रही है ना? मिना इत आन में कोई मसलो नहीं। हाँ तू इत जरूर आती रही है, पर हूँ पैसा तेरा अकाउंट में लभेगा। अकाउंट में क्यों पैसा निकली हिम्मत नहीं निकलती, वह लेन जरूर आती रहूंगी।
सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर सिंध गवर्नमेंट का महकमा कानून की शराकत में चलायो जा रहे हो है। वरासती हकूक हवाला नाल मुफ्त कानूनी मशवरा हस्ते सिंध लीगल एडवाइजरी सिंध कॉल सेंटर 0800 7080 609 फोन मिलायो जा सके।